अगले 30 साल के बाद बाबर भाई हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने गए। पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों ये मेलबर्न में रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि मेलबर्न के देखने के बाद में सुन भैया कितना भरोसा है जीतेगा भी जीतेगा पाकिस्तान भाई। 2025 हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीले जीले पाकिस्तान। जीत के बाद कैसा दर्शन होगा यहाँ पे? पूरा मेलबर्न हमने लोग बंद कर देना है, पूरा बंद कर देंगे, हम सब लेके जाएंगे। कौन सा खिलाड़ी हीरो बनने वाला है? इंशाल्लाह बाबर भाई और बादशाह है हमारा, और वो इंशाल्लाह आज मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा। बादशाह बादशाह होता है, कोई किंग कहने से किंग बन नहीं जाता, एक मैच में चल जाने से कोई किंग नहीं होता। बाबर भाई और रिजवान भाई दुनिया के सबसे अच्छे ओडीआई और हर किस्म की क्रिकेट में। आपकी बात पहुंच गई। बाबर और रिजवान ओपनिंग लेके चलेंगे। अगले 30 साल के बाद बाबर भाई हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने गए, जिस तरह इमरान खान बना है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। पाकिस्तान बाबर और रिजवान जो है इंशाल्लाह, जैसे सेमीफाइनल में उन्होंने ओपनिंग लेके चली थी, इसी तरह आज वो ओपनिंग लेके और इंशाल्लाह मैच। आज क्या कितना भरोसा है पाकिस्तान की जीत पे? 100% यकीन है इंशाल्लाह। हमारे बॉलर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और बैट्समैन भी। भैया कैसा कलर लग रहा है? लग रहा है कि मेलबर्न में खड़े हैं हम आज। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान एक हो गया है, और जो इस वक्त सारा मुल्क जो ऐसे लग रहा है मेलबर्न के अंदर सारे लोग यूनाइट हो गए हैं, और इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान मैच जीत जाए तो अच्छा होगा। देखते हैं कि क्या होता है। कोई नारा हो जाए पाकिस्तान।